देखिए आप देखिए छगन भुजबल साहब बहुत बड़े कलाकार हैं, उसने फिल्मों में भी काम किया है, आपको पता है। बहुत बार अपना रंग रूप बदलकर एक नाट्य निर्माण करने में छगन भुजबल माहिर है। शरद पवार ये सबसे बड़े सम्राट है, नट सम्राट है। वैसे ये छगन भुजबल जैसे जो लोग है, नेता है, वो फिरता रंगमंच के कलाकार है। देखिए आप देखिए छगन भुजबल साहब बहुत बड़े कलाकार हैं, उसने फिल्मों में भी काम किया है, आपको पता है। बहुत बार अपना रंग रूप बदलकर एक नाट्य निर्माण करने में छगन भुजबल माहिर है। अभी भुजबल साहब क्यों गए, कैसे गए, उससे महाराष्ट्र के राजनीति में कैसे हंगामा हो गया, ये सबको पता है। लेकिन शरद पवार ये सबसे बड़े सम्राट है, नट सम्राट है, और उनको प्रतिष्ठा है देश के और महाराष्ट्र के राजनीति में। तो अभी सब देखते रहे, आगे आगे देखो होता है क्या। ये जो है वो महाराष्ट्र में फिरता रंगमंच होता है, मोबाइल स्टेज घूमता रहता है, घूमता रहता है। वैसे ये छगन भुजबल जैसे जो लोग है, नेता है, वो फिरता रंगमंच के कलाकार है। असं काही ठरलेलं नाही, असं काही ठरलेलं नाही, चुकीची माहिती आहे। आम्ही 288 जागांचं असेसमेंट करतो आहोत। राष्ट्रवादी काँग्रेस हे सुद्धा 288 जागावर चाचपणे अभ्यास करतात, आणि काँग्रेस पक्ष सुद्धा 288 जागांचा अभ्यास करतो। हा अभ्यास तिघांचाही पूर्ण झाल्यावरती आम्ही तिघे एकत्र बसू, आणि त्यानंतर आम्ही की कोणी कुठे किती कशा जागा लढायच्या, आणि जो जिंकेल त्याला ती जागा मिळेल, हे आमचं सूत्र आहे जे लोकसभेला होत। ठीक आहे, ठीक।